हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं थोड़ा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फोर्थ एडिशन रायमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है आपां वो कर रहे हैं। इस दी यूनिट नंबर है अपने कोल 77। सो पहला आपां वीडियोज़ दे विच जिहड़े कि पहला वाले यूनिट्स आपां कर चुके हैं, अगर तुसीं नहीं वीडियोज़ वॉच कीते होण तो जरूर उन्होंने वॉच करो ते अपने जिहड़े बाकी यूनिट्स भी उन्होंने जरूर कवर करो। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट के आप 77 जी यूनिट आ हर एक यूनिट के अपने हर वीडियो के दसिया किस यूनिट जी आप करते हैं उसका केड़ा पार्ट आ जो कि इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर यूनिट के तीन या चार पार्ट दते भी होंगे ने, कई पांच पार्ट भी होंगे ने। सो आप दस दिए कि पार्ट ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसके की रूल्स ने, ता कि रूल्स आप डिस्कस करें ताकि समझ लग सके किमें यह अपने किया तो किमें जे कि समझ सकते हो। तो अगर तुम अच्छे ढंग के समझ गए तो ये पेपर भी जिहड़े कि अपने एग्जाम भी बहुत ईजी वे दे नाल ग्रामर नू सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी इस दे विच है नेम्स विद एंड विदाउट द, अपने कुछ नेम ने जिन्हां नाल द लगता है तो किन्हां नाल द नहीं लगता, ये स्टूडेंट्स तुहानूं जिहड़े कि इत्थों आपां देखदे हां। हाँ जी पहला आपां देखदे जिन्हां नाल द लगता है, जिन्हां नाल द लगता वो किहड़े-किहड़े ने। वी यूज़ द इन द नेम विद द रिपब्लिक किंगडम स्टेट्स, आप रिपब्लिक दे नाल किंगडम दे नाल ते स्टेट्स दे नाल जिहड़े कि आप की लगाना द लगाना, ठीक है। जिमें है द चैक रिपब्लिक, द चैक रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द USA, इन्हां नाल आपां ने द लगाउणा, ठीक है। द इन्हां नाल आपां ने लगाउणा जिवें आपां ने कंपेयर करना होवे हैव यू बीन टू कनेडा और द यूनाइटेड स्टेट्स, की तुसीं कनेडा जां यूनाइटेड स्टेट्स गए हो तां आपां द यूनाइटेड स्टेट्स दे नाल लगावांगे कनेडा दे नाल नहीं, ठीक है। इस तों अलावा होर आपां द किहदे नाल लगाउणे आ, वी यूज़ द विद द नेम ऑफ ओशंस, ओशंस ने जिहड़े उन्हां नाल सीज ने जिहड़े उन्हां नाल रिवर्स ने उन्हां नाल ते कैनाल्स ने जिहड़े उन्हां नाल, ठीक है। जिवें द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द मेडिटेरियन सी, द रेड सी, द चैनल बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेनिया, इहदे नाल वी द एमाजोन, ठीक है, द नील, द सुवेज कैनाल। इस तो अलावा वो यूज़ द विद द नेम ऑफ द डेजर्ट्स, जे कोई डेजर्ट्स ने मारूथल ने तो भी अपने द लगाना, जिमें द सहारा डेजर्ट, द गोभी डेजर्ट, ठीक है। इन्हां नाल जिहड़े कि द लगेगा पहला तुसीं याद करो भी जिन्हां नाल द लगता है, ठीक है। फिर ये रिमैंबर रखो भी जिन्हां नाल द नहीं लगता, द किन्हां किन्हां नाल लगता, नेम ऑफ ओशंस ने जिहड़े सीज ने रिवर्स ने ते कैनाल्स ने ते डेजर्ट्स ने, इन्हां नाल द लगता। इस तो उपर द आपने कहा सी कि रिपब्लिक ने किंगडम ने स्टेट्स ने उन्हां नाल द लगता। इस तो अगे वो यूज़ विद प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसिस, जे किसी पीपल ज प्लेसिस प्लूरल नाउन दे विच ने, प्लूरल नाउन है किसी जगह का नाम है, ठीक है, प्लेसिस का नेम है ज किसी पीपल का नेम है, तो आप की कंट्रीज़ है ज ग्रुप ऑफ आईलैंड्स ने ज माउंटेन रेंज ने, ठीक है। इन्हां नाल भी आपने ग्रुप ऑफ जो ग्रुप के विच ने, ठीक है, कंट्रीज़ ने जो किसा ने मतलब कि प्लूरल फॉर्म के आ रहे हैं नेम्स ऑफ पीपल ज प्लेसिस, तो उन्होंने भी द लगाना, जिमें द टेलर्स, द टेलर टेलर फैमिली, द जॉनसनस, जॉनसनस फैमिली, ठीक है। कंट्रीज़ द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स, अगे है ग्रुप ऑफ आईलैंड्स द कैनारीज, कैनारीज, द कैनरी आईलैंड्स, द बहमास, ठीक है। अगे माउंटेन रेंज, द रॉकी माउंटेन्स, द रॉकीज, द एंडर्स, द एल्पस, ये हो गया। तो जिमें द हाईएस्ट माउंटेन इन द एंडर्स इज, एंडर्स इज माउंटेन ओ कॉन कॉनकुआ, ठीक है। इस तो अलावा द आपने कि लाना जो अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट ये कुछ दसना हो, इस तो अलावा वही से द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ द ब्राज़ील, जो अपने नॉर्थ या साउथ ईस्ट जी डायरेक्शन दस रहे हैं, जिमें लिखा हुआ साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ जो ये डायरेक्शन दस रहे हैं तो भी अपने जोड़े कि द लगाना, बट जो इन ई आर ला के गल करा जिमें नॉर्थन साउथन ईस्टर्न पिछे ई आर एन लगा देंगे फिर अपने द यूज़ नहीं करना,
जो वैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट की गल कर रहे हैं फिर आप द यूज़ करना, जे ई आर आ पिछे लग जूगा ना डायरेक्शन दे फिर द यूज़ नहीं करना। इस तो अलावा जिम्मे इन्होंने कंपेयर करके एग्जाम्पल दी हुई है, स्वीडन इज़ इन द नॉर्थर्न यूरोप, जो नॉर्थर्न ई आर आ गया फिर डायरेक्शन ई आर ई आर एन लग गया फिर नहीं लगाना, ठीक है। द स्पेन इज़ वैसे जो आप साउथ की गल कर रहे हैं जो ईस्ट की गल कर रहे हैं फिर आप नॉर्थ की गल कर फिर आप लगा। तो एक जदों जो डायरेक्शन के अगे मिडल वर्ड लग्या होया जिमें साउथ ईस्ट इन्हों के अगे मिडल वर्ड लग्या होया तां वी आपां ने द यूज़ करना, तो जो डायरेक्शन के अगे जिमें ईस्ट वैसट इन्हों के अगे फार वर्ड लग्या होया एफ आर फार तां वी आपां ने द यूज़ करना, मिडल तो फार डायरेक्शन के अगे लगे हुए हैं तां वी द यूज़ करना। इस तो अलावा ये आ याद रखना तुसी वो ही आलसो यूज़ साउथ नॉर्थ विदाउट द साउथ ते नॉर्थ साउथ ते नॉर्थ अपने विदाउट द यूज़ करना जो सम रीजनस ते कंट्रीज़ कि जिमें नॉर्थ अमेरिका की गल कर रहे हैं तो आप विदाउट द की गल करने, साउथ अफेरिका की गल करनी है तो अपने विदाउट द करना, ठीक है। इस तो अलावा तुसी हुण मैं तुहानू दसदा कि द किना किना लगता दोबारा दस दिंदी, तुहानू द लगता प्लूरल नाउन दे नाल, प्लूरल जिहड़े कोई कंट्रीज़ का नेम आ गया प्लूरल दे विच, पीपल का नेम आ गया प्लूरल दे विच, ग्रुप दे विच आ गया, ठीक है, तो द लगता। माउंटेन्स जां कुछ भी आ जाए डायरेक्शन आ जाए तो द लगता। तो इस तो अलावा ओशनज आ जाए तो द लगता, सीज नेम आ जाए, रिवरस नेम, कैनल्स कैनाल्स आ जाए तो भी द लगता, डेजर्ट नेम आ जाए तो भी द लगता। इस तो अलावा द जिहड़े कि अपना लगता रिपब्लिक किंगडम ते स्टेट्स दे नाल। हुण आपां ने द जिन्हां नाल नहीं लगता वो किहड़े नेम्स ने जिन्हां नाल द नहीं लगता, जदों आपां किसी की गल कर रहे हैं जिवें सपोज देखो वी डोंट यूज़ द विद द नेम ऑफ पीपल, जदों किसी लोग किसी बंदे दा पीपल दा आपां नेम दस रहे जिवें हैलन है, हैलन टेलर, कुछ भी किसी का भी नेम दस रहे, राम शाम कुछ भी दस रहे, तो आपां ने द जिहड़ा कि नहीं लगाना, ठीक है। इन द सेम वे वी डोंट यूज़ द मोस्ट नेम्स ऑफ पैल प्लेसिस, कहना इस तो अलावा बहुत सारे जो प्लेसिस ने जिन्होंने अपने द नहीं लगाना, जिमें कॉन्टीनेंट कॉन्टीनेंट अफेरिका यूरोप साउथ अमेरिका इन्होंने द नहीं लगाना, कॉन्टीनेंट्स के नाल द नहीं लगाना, कंट्रीज स्टेट्स जिहड़े जिमें फ्रांस इन्हें द नहीं लगाना, जापान द नहीं लगाना, ब्राजील जापान नहीं लगाना, टैक्सस द नहीं लगाना, जिहड़े जिहड़े द नहीं लगाना उन्होंने याद रखना, ठीक है। आईलैंड्स ने जिमें सिली सी बैरमुंडा तस्मानिया इन द नहीं लगाना, सिटीज़ के टाउनस ने जिमें है ने कायरो न्यूयॉर्क बैंकॉक इन्हों द नहीं लगाना, माउंटेन्स ने जिमें एवरेस्ट इटना किलीमंजरो इन्हों द नहीं लगाना, ठीक है। इस तो अलावा जदों द जिन्हें नहीं लगाना वैन वो यूज़ मिस्टर और मिसिज जा कैप्टन डॉक्टर एन कह के आप फिर किसका नाम कहिए जिमें डॉक्टर आप कह दिए डॉक्टर रमन तो आपने द नहीं लगाना, ठीक है, जा कैप्टन रमन तो द नहीं लगाना, मिस्टर मिसिज रमन द नहीं लगाना, मिस्टर रमन द नहीं लगाना, जो मिस्टर या मिसिज कैप्टन या डॉक्टर है जो कुछ ला के किसी की अहदा लगा के अपने किसी का नेम लिखना तो द यूज़ नहीं करना, वी डोंट यूज़ द यूज़ नहीं करना, जिमें इन्होंने एग्जाम्पल दतिया हुई ने मिस्टर जॉनसन डॉक्टर जॉनसन कैप्टन जॉनसन जिमें मैं तुहानू जिहड़ी कि रमन ला के गल करती है ना, प्रेजीडेंट जॉनसन द नहीं लगाना, अंकल रॉबर्ट संत कैथराइन प्रिंसेस मै मारिया तो द नहीं लगाना। जो आप वैसे कहेंगे किसी आप वैसे कहेंगे भी टीचर है ज डॉक्टर है तो आपने जेडे कि द लगावे, जो आप वैसे वो ही कॉल्ड द डॉक्टर भी असं डॉक्टर को बुलाया फिर द लगाता, बट जो अपने कहता भी वो ही कॉल्ड द डॉक्टर जॉनसन असी डॉक्टर जॉनसन को बुलाया फिर द नहीं लगाना। इस अलावा माउंट वो यूज़ माउंट एंड लेक बिफोर अ नेम इन द सेम वे, जो जिन्हें अगे लेक तो माउंटेन वर्ड लग्या होया जिमें माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट इटना हो गया, लेक सुपीरियर हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, जिन्हें अगे लेक तो माउंटेन वर्ड लगे हुए ने उन्होंने अगे जेडे कि द नहीं लगा, ठीक है, बट जो मिडल लग्या होगा डायरेक्शन के अगे ज फार लगे होगा फिर लगा, ठीक है, माउंटेन ज लेक लग्या हो फिर द नहीं लगा, जिमें इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है दे लिव नीयर द लेक, ठीक है। जो लेक वैसे गल करती जो लेक वैसे गल कर रहे हैं आप लेक जिमें इतने नाम से है ना डॉक्टर वैसे गल की तो आपने द लगाया, बट जो डॉक्टर रमन गया फिर द नहीं लगाया, जब वैसे प्रेजीडेंट बोलेंगे तो द लगावे, जो आप प्रेजीडेंट जॉनसन बोलेंगे फिर द नहीं लगावे, एवं इतने
जदों लेक वैसे गल कर रहे हैं फिर तो आप द लगावे, ठीक है, जिमें दे लिव नीयर द लेक फिर तो अपने द लगाता, बट जो नाल लेक दे नाम जो अगे नेम लग गया लेक ला के फिर अगे नेम लिखिया, ठीक है, लेक लिख के फिर बैक तो नेम लिखिया फिर द यूज़ नहीं करना। जिमें माउंट लिख के उस तो पिछों जिहड़े कि कुछ नेम लिखिया तो द यूज़ नहीं करना, जो वैसे कि माउंट आप कह रहे हैं फिर आप द लगा सकते हैं। सो ए सी जिन्हां नाल द नहीं लगता, हुण आपां यूनिट करदे हां फिर तुहानूं होर समझ लग जाणी। तो इस यूनिट का पार्ट फस्ट और सैकेंड इंपोर्टेंट आ, थर्ड कोई कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं, इहनूं आपां छड्ड सकदे हां, ठीक है। फस्ट और सैकेंड इहदे पार्ट इंपोर्टेंट ने, उही आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तो स्टूडेंट्स ये तुहानूं याद रखना पैना भी किहनां नाल द लगता किहनां नाल द नहीं लगता, ठीक है। इहनूं तीन चार बार रीड करोगे तुहाडे माइंड च जिहड़े कि तुहानूं मतलब कि आपां नूं आइडिया हो जांदा कि किहनां नाल द लग रहा किहनां नाल द नहीं लग रहा। पुट इन द द वेयर नसैसरी, कहना द लिखो जिथे जरूरी आ पुट करो। लीव द स्पेस एम्प्टी इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट, जे कहना सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट आ फिर वो द ना लिखो तो वो स्पेस जी कि खाली छड़ दो एम्प्टी छड़ दो। हू इज़ डैश डॉक्टर जॉनसन, अपने हूँ ही किया एग्जाम्पल के भी जदों डॉक्टर वर्ड ला के जां प्रेजीडेंट ला के जां कुछ भी ला के पिछे नेम दिता होगा किसी का भी नेम लिखा होगा तो द यूज़ नहीं करना, द यूज़ नहीं करना है ना। जो वैसे आप कहे हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ डॉक्टर तो आप द लगावे उत्थे तो आप कहे हु इज़ द डॉक्टर, भी डॉक्टर कौन है, हु इज़ द डॉक्टर, जो आप फिर द लगावे। जब आप प्रेजीडेंट कहीए भी राम इज़ प्रेजीडेंट तो द यूज़ नहीं करना, ठीक है, भी प्रेजीडेंट ला के प्रेजीडेंट राम तो द यूज़ नहीं करना। जो आप वैसे बोलेंगे प्रेजीडेंट वैसे बोलेंगे फिर आप द लगावे। देखो जिमें सारे एग्जाम्पल्स दती हुई इन्होंने तो माइंड च रखना, ठीक है। जो कला किसी का अहदा लैके गल कर रहे हैं फिर अपने लगाना, तो जो आप किसी का नेम लगाता फिर द यूज़ नहीं करना, तो ये तो फस्ट के जी कि अपनी स्पेस खाली छड़ी जाऊगी लाइन लगा देंगे। अगे है आई वॉज़ इल, कहना मैं बीमार से, सो आई वेंट टू सी डॉक्टर, कहना जिस करके मैं डॉक्टर दिखाने चला गया। हूँ इतने कला डॉक्टर है, जिमें कला प्रेजीडेंट वर्ड हो अपने द लगावे, ठीक है। जो किसी का नेम लग जूगा पिछे वे फिर द नहीं लगाना, हूँ आप द लगावे। आई वॉज इल सो आई वेंट टू सी द डॉक्टर, ठीक है। याद रखना भी जदों किसी का अहदा देकर किसी का नाम पिछे दिता हो फिर उ द नहीं लगना, जो किसी का वैसे अहदे की गल कर रहे हैं आप फिर द लगावे। थर्ड द मोस्ट पावरफुल परसन इन डैश यूनाइटेड स्टेट इज़ डैश प्रेजीडेंट, कहना सब तो मोस्ट परसन है जेडे कि यूनाइटेड स्टेट के, यूनाइटेड स्टेट नाल तो द लगेगा ही क्योंकि अपने किया है ना यूनाइटेड के अगे लगाया हुआ सी, तो उतों का प्रेजीडेंट आ फिर वो अगे भी द लगेगा क्योंकि ये पिछे कड़ा नेम दिता हुआ। जे प्रेजीडेंट लिख के पिछे नाम दे देने जॉनसन या रमन कुछ भी नाम दे देने फिर आप द नहीं लगाना सी। हुण इत्थे कला जिवें डॉक्टर सी एवें कला प्रेजीडेंट आ तो द लग गया, ठीक है। तो करके ना दोनों के आ गया द आ गया, यूनाइटेड स्टेट नाल भी द ते कला प्रेजीडेंट लिखा हुआ सी तां वी द। अगे है फोर्थ, फोर्थ दे विच प्रेजीडेंट तो बाद देखो नाम दिता होया प्रेजीडेंट, प्रेजीडेंट कैनेडी वॉज एसिनेटड इन 1963, तो इतने हुण प्रेजीडेंट तो बाद अगे नेम आ गया तो ये आपने द नहीं लगावे, तो ये आप जिहड़े कि स्पेस खाली छड्ड देंगे, इतने आप स्पेस छड्ड देंगे भी इतने कोई जरूरत नहीं हैगी। जो किसी का अहदा दे के पिछे नेम दिता होगा तो उत्थे द नहीं लगाना। अगे है फिफ्थ, डू यू नो डैश विलसनस, की कहना तुसी विलसनस नू जान दो, दे आर वेरी नाइस कपल, कहना बहुत नाइस कपल ने। हुण फिफ्थ दे विच जदों आपने किया सी कि प्लूरल होगा, जदों प्लूरल होगा फिर आपने द लगाना, हुण इत्थे प्लूरल है तां आपां द लगावांगे जिवें आपने एग्जाम्पल दे विच किया सी। देखो पीपल जदों प्लूरल दे विच ने, टेलर्स द जॉनसनस एस लगी हुई आ तो उत्थे भी अपना विलसनस एस लगी हुई है तो अपने द लगाया, तो अपना जिहड़ा कि फिफ्थ दे विच की आ गया द, फिफ्थ दे विच द। अगे सिक्स, आई एम लुकिंग फोर डैश प्रोफेसर ब्राउन, हुण प्रोफेसर अहदा हो गया उस तो बाद किसी का नेम वगैरह देता है ना, तो उत्थे भी द अपने नहीं यूज़ करना, उत्थे भी आप स्पेस खाली छड़ देंगे। डू यू नो वेयर शी इज़, की कहना तुसी जानते हो कितने है, तो स्पेस खाली। जे वैसे पूछता आई एम लुकिंग फोर प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर नूं लभ रहा फिर आप इतने द लगाते, ठीक है, जो कला प्रोफेसर हों ब्राउन ना हों, बट इतने हूँ इतने अगे वह नाम दे के कुछ लिखा हुआ है ना, अहदा दे के तो अपने द यूज़ नहीं करना, तो स्पेस आ जाएगी खाली। अगे है नंबर
इज दी 77 द सैकेंड पार्ट. सम ऑफ दी सेंटेंसिज आर करैक्ट, कहना कुछ सेंटेंसिज इन करैक्ट ने, बट सम नीड द, कहना कुछ नु जरूरत है द ली, समटाइम्स मोर दैन वन करैक्शन, कहना एक तो ज़्यादा भी करैक्शन हो सकती है. द सेंटेंस वेयर नसैसरी, जिथे कहना जरूरत है उत्थे अपना करैक्शन करो. हुन एवरेस्ट वॉज फस्ट क्लाइम्ड इन 1953. एवरेस्ट, एवरेस्ट तो बाद जिहड़े कि इत्थे कोई जरूरत नहीं हैगी कि आपां इहदे विच कुछ द लगाईए तां इह अपना सेंटेंस ओके आ. जिहड़ा सेंटेंस करैक्ट है आपां नूं लगदा वी इत्थे द दी जरूरत नहीं है, उहनूं आपां ओके लिख दांगे. मेलिना इज इन नॉर्थ ऑफ द इटली, तां आपां ने कहा सी वी जदों डायरैक्शन है, जो डायरैक्शन आ ईस्ट वैसट साउथ, जो डायरैक्शन आ तो वह अपने द लगाना है ना, द लगाना. बट जो उ जोड़ा कि डायरैक्शन के नाल ई आर एन लग जूगा तो फिर द यूज नहीं करेंगे. इतने तो है नहीं, इतने तो बोल रहे हैं मेलिना इज इन द नॉर्थ ऑफ द इटली, कि मेलिना इटली के नॉर्थ के आप ये द लगावे, तो आप लगावे इन द नॉर्थ ऑफ इटली, इन द नॉर्थ ऑफ इटली. अफेरिका इज मच लार्ज दैन यूरोप, कहना अफेरिका जिहड़े कि मच लार्ज आ यूरोप के नाल, तो हुण इहदे विच जिहड़े कि आपणे सेंटेंस अपना ओके है, इहदे विच कोई जरूरत नहीं हैगी कि आपां इहदे विच जिहड़े कि द लगाईए, क्योंकि आपणे देखिआ सी कि पिछे उत्थे द नहीं लिखिआ होइआ सी. एग्जाम्पल्स दे विच देखो, फस्ट दे विच सी कंट्रीज कॉन्टीनेंट्स, कॉन्टीनेंट अफेरिका यूरोप, यूरोप ते अफेरिका साउथ अमेरिका, कॉन्टीनेंट ने जिहड़े उहनां नाल द यूज नहीं करना, इन्हां नाल द यूज़ नहीं करना. अगे है फोर्थ, फोर्थ दे विच है लास्ट ईयर आई विजिट मैक्सीको एंड यूनाइटेड स्टेट, कहिंदा लास्ट ईयर मैं विजिट किया सी मैक्सीको ते यूनाइटेड स्टेट दे विच. हुण यूनाइटेड स्टेट नाल तो द लगेगा, ठीक है, तो आप लगावांगे इतों सेम आजूगा लास्ट ईयर आई विजिट द मैक्सीको एंड आप लिख देंगे द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट नाल द लगता यूनाइटेड स्टेट्स. फोर्थ, अगे है फिफ्थ, साउथ ऑफ इंग्लैंड इज वार्मर दैन नॉर्थ, कहिंदा इंग्लैंड का जिहड़ा साउथ पार्ट आ वो नॉर्थ दे नालों गर्म है. हुण जो डायरैक्शन दस रहा तो उहदे विच अपने द लगाउणा, तो इत्थे अपने दो बार द लगेगा, साउथ दे अगे भी द ते नॉर्थ दे अगे भी द, तो आपां लिखांगे द साउथ ऑफ इंग्लैंड इज वार्मर दैन नॉर्थ, तो द लग गया. जो डायरैक्शन डायरैक्शन है फिर अपने द लगाना, डायरैक्शन के नाल द लगाना. ए सी फिफ्थ, अगे सिक्स्थ, पुर्तगाल्स इज इन वैसटर्न यूरोप, वैसटर्न वैसटर्न ईस्ट वैसट के अगे या साउथ के अगे जो डायरैक्शन के बैक पर ई आर एन लग जूगा तो आपने द यूज़ नहीं करना, ठीक है, द यूज़ नहीं करना. दैन आप कह सकते कि सिक्स अपना ओके है, ठीक है, तो सिक्स अपना ओके है. अगे सैवंथ, फ्रांस एंड ब्रिटेन आर सैपरेटड बाय चैनल, कहना फ्रांस से ब्रिटेन ने जोड़े कि सैपरेट किए जाते हैं चैनल के राह, ठीक है, तो ये अपने जोड़े कि चैनल तो अगे द लगाना, तो आप लगावे द चैनल, ठीक है. ये भी आप एग्जाम्पल से दिखाने कि किया हुआ से, ठीक है, तो ही तो सारे पहले रूल्स करवाए जाने ताकि जोड़े कि तहूँ कन्फ्यूजन ना हो. देखो चैनल बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन. अगे है नंबर एट, जैम्स हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट इन मिडल ईस्ट, तो यह भी दस्या सी भी जो मिडल वर्ड लग्या होया है ना, मिडल लग्या होया, मिडल ते ईस्ट फार, मिडल ते फार, मिडल ते फार, तो उत्थे भी अपने की लगाना सी द, तो आप द लगावे हूँ इतने भी अपना द लगेगा, तो आप लिखांगे ये नंबर एट के जेम्स हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट इन द मिडल ईस्ट, इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट नंबर एट पर आ गया मिडल ईस्ट. मिडल ते फार उस तो बाद डायरेक्शन दत्ती भी होगी तो मिडल ते फार तो पहला द लगाना. नंबर नाइन, शिकागो इज एन शिकागो इज ऑन लेक मैजिशियंस,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9 ਆਪਣਾ ਓਕੇ। ਓਕੇ ਨੰਬਰ 10, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਸਿੱਕਿੰਗ ਇਨ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ, ਐਲਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਐਲਪਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਸਕੀਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 11, ਯੂਕੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਨੌਰਥਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਰਥਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਰਥਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਆਰ ਐਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੌਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦ ਯੂਕੇ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦ ਯੂਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦ ਯੂਕੇ ਨੰਬਰ 11। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 12, ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ੇਲਸ ਆਰ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਸੈਸ਼ੇਲਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸੀ ਨੰਬਰ 12। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 13, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨ ਅਫੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਕਿਲੀ ਮੰਜਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਅਫੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੀ ਮੰਜਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 13 ਨੂੰ ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 13 ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਓਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 14, ਰਿਵਰ ਵੋਲਗਾ, ਰਿਵਰ ਵੋਲਗਾ ਫਲੋਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦ ਲਗਾਉਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਰਿਵਰ ਵੋਲਗੋ, ਦ ਰਿਵਰ ਵੋਲਗਾ, ਦ ਰਿਵਰ ਵੋਲਗਾ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕੈਸਪੀਅਨਸ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਆ, ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਰਿਵਰ, ਦ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਆਰ ਰਿਵਰ ਵੋਲਗਾ, ਦ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 77। ਇਸਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕਸ।